क्या कर रही है? देखना मैंने ये वाली हेयर काट दी है। अजी पागल है, खुद ही बाल काटी जा रही है। कैसे लग रहे हैं? बताना। ठीक लग रहे हैं। मैंने ऐसे ही काट लिया, मैंने कहा करवाने तो है लेकिन मैं अब शुक्रवार को करवाऊंगी हेयर कट। कहते हैं शुक्रवार को हेयर कट करवाने से ना आपकी सुंदरता और बढ़ती है। मैंने अभी गूगल किया भाई, इसके रिएक्शन तो बहुत ही ठंडे थे। मुझे लगा कोई रिएक्शन देगी तगड़ा ये, बट ठीक है। अब इनको मैं सेट करवाऊंगी सॉरी फ्राइडे को, फ्राइडे को हेयर कट करवाना बहुत अच्छा होता है। सो मैंने अभी गूगल किया, पहले मैंने गूगल किया कि दिवाली पर हेयर कट करना सही होता है, तो उसमें लिखा था नहीं अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो फिर मैंने लिखा कि मैंने तो दिवाली से एक दिन पहले किया है ना, दिवाली के एक दिन पहले हेयर कट करना अच्छा होता है, शुभ होता है, तो उसमें कुछ है ही नहीं था। तो आई थॉट कि मैं बच गई, थैंक गॉड मैंने दिवाली वाले दिन नहीं किया, बट इस दिन हमें नहीं करवाना चाहिए, दिस इज ना। सो मेरा हेयर कट आपको कैसे लग रहा है? अभी जब सेट हो जाएंगे ना तो ये भी बहुत सही हो जाएंगे और एकदम, और फिर मेरे सारे हेयर बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे लॉन्ग हेयर की मैं ग्रोथ स्टार्ट करूंगी। सो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा बॉय कट का, बिल्कुल शॉर्ट हेयर जितने ये हैं सब उतने, और फिर मैं नोज़ पियर्सिंग भी करवाऊंगी उसके साथ, क्योंकि मेरा नोज़ बहुत लंबा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे और क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोहा, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। और हेयर कट देख रहे हो मेरा? मेरी मम्मी को अभी तक नहीं पता चला कि मैं ये काट चुकी हूँ। मैंने कहा क्यों दिवाली पे गालियाँ खानी है, तो थोड़ा सब्र करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और मेरा हेयर कट बहुत अच्छा लगा होगा। बट मैं जाने वाली हूँ सैलून आफ्टर दिवाली, और इसको अच्छे से प्रॉपर अच्छे से कराऊंगी, और मेरी वीडियो अभी पड़ी हुई है एक। सो सुबह सुबह उठ के सारे काम करके डॉग्स को भी नहला दिया, सब कर दिया, क्योंकि आज दिवाली है। और अब मुझे बहुत भूख लगी है, आज हमारे घर में बना हुआ है मालपुए पूरी खीर और छोले की सब्जी, सो मैं वो खाने जा रही हूँ। सो चलो, ये है मेरा लंच जो है छोले, ये है खीर, ये है मालपुए और ये है पूरी, और ये है ओए मेरा पुत क्या खाऊंगा। सो पहले मैं मालपुआ टेस्ट करती हूँ। मालपुआ हमारे घर में खीर से खाया जाता है। बहुत ही यम्मी है निखत है। अब देखो इधर बैठो, पर मम्मी ने आवाज खुली है, बताओ तो सारा मेरे का, तुमसे कह रहा हूं बर्बाद हो, आवाज कम करियो मम्मी इसकी, मेरा फोन देखा नहीं है, मैंने देखा पहले, आवाज कट करो, मैं तो लेके नहीं गई वाले फोन, ऐसे किधी होगा देख लेने हैं, लब लेने पहले घर का सही, थोड़ी पता मैं इधर बाल कट ले, कैसे लग रहे हैं? अच्छे ही लग रहे हैं। अब तो ये और छोटे होंगे, उसके बाद लंबे कर लूंगी, अच्छे लग रहे हैं। डेडी मैं इधर दे हेयर कट ले, हाँ सोने लग रहे हैं ना, है डेडी कटने में दस तो सही, डेढ़ दस तो सही, ऐसे दस सौ तो मेरे बाल पहले दस सौ डेढ़ अच्छे लग रहे हैं ना, देख लिए मेरे फैमिली के रिएक्शंस। ओई कुकुम, आज दिवाली तो है लेकिन आज दिवाली के साथ है डॉग फेस्टिवल भी, जो नेपाल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मुझे बहुत पसंद है इसलिए नेपाल, क्योंकि वहाँ पे लोग डॉग्स को पूछते हैं। और मेरी फ्रेंड है एक गुंजन, और वो नेपाल की ही है, और मैंने अभी उसके इंस्टा पे वो देखा, तो वो अपने जो डॉग को अडॉप्ट करके लाई थी, उसका नाम पोको है।
मेरे डॉग का नाम कोको है जो मैंने अडॉप्ट किया था, फिर उसने अडॉप्ट किया उसका नाम पोको है, तो वो मैंने देखा कि आज फेस्टिवल है तो मैं बहुत खुश हो गई। तो आज दिवाली भी है, हेलोवीन भी है और डॉग्स फेस्टिवल भी है, सो आज मैं अपने डॉग्स के साथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करूंगी। ये सो आपने मेरी फैमिली के रिएक्शंस तो देख लिए हैं, तो आपने मेरी फैमिली के रिएक्शंस तो देख लिए हैं, कितनी अच्छी जगह मिला है मुझे फोन रखने के लिए। सो मैं दिवाली पे घूम रही हूँ इतनी गंदी सी बन के मेरी मम्मी और हमारे डॉग्स को ना कैमरा बहुत कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा स्टार्टिंग मैं रेडी हो गई, वीडियो बना दो मैं रेडी हो गई। और काफी लोगों के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, आई एम टू एक्साइटेड, मतलब आप लोग इतना खुश कर देते हो ना मुझे। मम पौड़ी छोड़ो, मैं पौड़ी पर खड़ी है। मेरा हेयर कट अच्छा लग रहा है ना, मैं शॉर्ट हेयर कट कराऊंगी। और ओके माय पेरेंट्स स्कूल, इसलिए मैं ऐसे बहुत अच्छे से रहती हूँ घर में, घर के सारे काम करना, डॉग्स के साथ रहना, अपने काम भी कर लेती हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम, जिससे मुझे कुछ अर्निंग हो जाती है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करती, इसलिए मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सो आप लोगों की अगर कुछ वो है तो वो निकल गए होंगे, खैर थैंक यू बोलो मम्मी जो सब मेरे को लाइक बोलो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। सो ओके मिलते हैं, अभी दिवाली का हमने बहुत सारा काम कर लिया, मम्मी लोग पंजाब वाले घर पे जाके भी दिए भी जगा के आए, सब करके आए, और अभी ये फिर जाएंगे चेंज करके, और हम लोगों ने डॉग्स भी नहला दिए थे क्योंकि आज दिवाली है, और अब हम थोड़ा सा घर थोड़ा सा वो करके शाम को फिर उसके बाद मैं चेंज करूंगी, मैं पहनूंगी आज सूट इसके साथ। ये थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैंने खुद ही कट कर लिया, लेकिन जब मैं शॉर्ट हेयर कट करवा लूंगी ना प्रॉपर, और इस बार मैं कोई लग्जरी सैलून में जाके नहीं हेयर कट करवाने वाली, इस बार मैं हेयर कट करवाने वाली हूँ एक लोकल बाबर शॉप से, और ये लोकल बाबर शॉप मेरा हेयर कट बहुत सस्ते में कर देगी, मैंने प्राइस पूछा था मात्र 70 रुपए में, मैं तो बहुत खुश हो गई, इतने पैसे लगाए मैंने हेयर कट पे। तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अब मिलेंगे दिवाली वाले ब्लॉग में, टाटा। मेरी बोलो ना करना पड़ेगा कपड़े जाकर मेरा तेरे है ठीक है ना नहीं होता अच्छे ये मेरी भाभी ने उस पे दिया था ना वो केड़ा करवा चौथ पे सासों को सूट देते हैं ना, तो मेरी मम्मी ने सिला लिया, पहन के आओ पहन के। अरे वाह फिर वही बात है ही खुला ही होना ना अपने घर भी पर ये भी चल लेगा नाल। ओए तुसी नहीं जाना, क्या पूछ ला रही है, आज तो तुम लोगों का फेस्टिवल है, आज तो डॉग फेस्टिवल है भाई। ओए आजो, उन्होंने नहीं आना पुत, वो थक गए हैं, आइए नहाए हुए हैं, नहाने के बाद ऐसे सोते हैं ना। लीजा कोको लीजा को लेके आओ, लीजा आ जाओ जल्दी आओ, लीजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ले, ये बन रही है हमारी रंगोली, पता नहीं हमारे डॉग्स रहने देंगे या नहीं रहेंगे, और हर साल हमारे घर पे यही मनाती है रंगोली, थोड़ी बड़ी बनाई वैसे मत दिखाइयो कि दिखे ही मत, इसको बड़ा कर दे। हाँ सी एक ये रहा एक ये रहा, भगवान ही बचाए इस रंगोली को अब। नहीं ये तो बेचारे कुछ नहीं करते पर ये है थोड़ी सी। भाई लीजा इतना खुश है, अभी रात में बैंड बजेगा तुम सबका। हेलो क्या बना रही है मुनमुन, मुनमुन क्या बना रही है? ओ भाई साहब हैप्पी दिवाली, बड़ी अच्छी बनाई यार तूने तो। बना दी
सी सी गाइस सी हमारी टैलेंटेड लड़की मेरे पास थूक दी मैंने बहुत ही प्यारी बनाई है ब्रो तूने कैसी बनी है बंडू ओए 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 तुम भी बता दो रिव्यूज दे दो बोलो अच्छी है आय 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 नहीं कोको वो खाने के लिए नहीं है केमिकल है कोको उसमें बैठे इसको बैठी हुई देखो कैसे बैठ के ओह शिट